दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका यू क्रिएट्स में, मैं हूं रुस्तम। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग पटाखे बनाने वाले हैं क्योंकि दिवाली आ चुकी है और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं पटाखों को लेकर। और मार्केट में आजकल बहुत महंगे पटाखे आ रहे हैं, तो क्या घर पर कुछ ऐसा करके जुगाड़ करके पटाखे बनाए जा सकते हैं, पूरा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बताने क्या करके दिखाने वाला हूँ, मेरा भाई मजताब बनाने वाले हैं, जो मजताब बोलते हैं या मेहताब बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, आप देख लीजिएगा जो भी बोलते हैं कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या होगा, घर के सामान से क्या बन सकता है या फिर कुछ और भी हमको बाहर से लाना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में मैंने बताया है। तो बिना देर किए लेट्स क्रिएट। तो दोस्तों, इस तरीके के मैंने अखबार के दो टुकड़े ले लिए हैं, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, जितनी लेंथ रखना चाहते हैं अपने मस्ताब की उतनी रख सकते हैं। पेन के सहारे से इसमें मैं शेप दे दूंगा, इसमें हॉलो सिलेंडर टाइप का बना लूंगा। ये देखिए, जैसे कुछ बनाते हैं एक पाइप टाइप का बना लेते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं और फिर इसको टेप से चिपका लेंगे। तो दोस्तों, ये बन के तैयार हो चुका है, एक साइड से मैंने बंद कर दिया। अब ये मैंने मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, बस इसमें ताकि आपके हाथ तक आँख ना पहुँचे उसके लिए, सेफ्टी के लिए मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल रहा हूँ। आप कोई भी मिट्टी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बालू भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हाफ फिल कर लेते हैं, और हाफ फिल करने के लिए इसमें ठोकना ज़रूरी होता है। मैं ऊपर पेन से हल्का हल्का दाब दाब के इसको पूरा लगा दूँगा। तो भाई ये बन के तैयार हो चुका है हमारा, जो है फिल हो चुकी है पूरी जो मुल्तानी मिट्टी। चलिए अब इसमें हम डालते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, ये 2/3 रहने वाला है, आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा। और ये अपनी सिंपल से शुगर पाउडर है, मैंने केमिकल फार्मूला लिख रखा है। तो चलिए जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट को निकालते हैं, और ये करीब 2/3 हिस्सा कोई भी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, बस 2/3 होना चाहिए। चलिए इतना थोड़ा सा और निकाल लेते हैं। गुत्थी वगैरह है जो, पहली बात तो ये सॉलिड फॉर्म में आता है, इसको आपको पीसना पड़ेगा। तो ये मैंने पीस के रखा हुआ है, बिल्कुल महीन कर लिया है, बिल्कुल नमक टाइप का लग रहा है, लेकिन ये नमक नहीं है। तो इस तरीके से रख लिया है। अब इसके बाद हमको इसमें शुगर डालनी है, शुगर 1/3 के आसपास रहेगी, ये इतनी मैं डाल लूँ अंदाज से, आप कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से मिला के फिर अपने मस्ताब में फिल करेंगे। तो ये लगभग पूरा भर चुका है हमारा मस्ताब। अब हमने ये जितना बचा हुआ है इसको दूसरा बना लेंगे। ये देखिए बन गया है पूरा। और अगर अभी टेस्टिंग के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मैंने लाइटिंग बनाई हुई है दिवाली की, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं, उसमें होगा वीडियो, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, रात का इंतज़ार करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने ये 3 जो पटाखे थे, मस्ताब जिसको बोलते हैं, वो बना लिए। अब चलिए इसको पहले को जलाने की कोशिश करते हैं। ये हमने यहाँ पे मोमबत्ती लगा रखी थी, देखते हैं जलता है किस तरीके से, क्या होता है। ये मैं जला रहा हूँ, अब आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, देखते हैं क्या जलता है या नहीं जलता है। ये देखिए, ये मस्ताब मैंने खुद बनाया, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। ये थोड़ा जलने के बाद ये देखिए
चलिए दूसरा चालू करते हैं। ये तो छोटे छोटे थे भाई मेरे, देख रहे हो आप लोग कितनी ड्यूरेशन तक जल रहे हैं। ये देखिए दूसरा, इनको हिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप पकड़े रहिए केवल। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये देखिए दूसरा चल गया। अब सबसे बड़े वाले की बारी है। ये देखिए इसकी अच्छी खासी लेंथ है यहाँ पर, और अब हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया। ये अपने आप जल भी जाता है, अगर बुझता है थोड़ा बहुत तो ये अपने आप जल जाता है, आपको दोबारा इग्नाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो पटाखे हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने 3 मस्ताब बनाए जला के आपको दिखा दिए हैं, और उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। भाई आपकी दिवाली अच्छी जाए, बस मेरी यही कामना है, और साथ साथ आपकी भी कामना होना चाहिए कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और पटाखे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी दिवाली। हीरा बेटे, हीरा बेटे।